सर्जे भारत को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस राज्य में बढ़ला आंशिक लॉकडाउन अगस्त एक जाए बलबत्तर रहिबो कटकणा पूर्व घोषित कैटेगरी ए वो बी जिला अपरिवर्तित ए जिला रे राति 8 बी रे अपराह्न 5 जाए खोलिबो दुकान बी रे जारी रहिबो सप्ताहांत सटा कटकणा कोहल कले राज्य सरकार सारा राज्य में गड़ब बस ऑटो टैक्सी चलाचल को अनुमति खोल जिम स्पा ब्यूटी पार्लर बिना दर्शक आउटडोर खेल को अनुमति सारा विश्व पाई स्किल और स्मार्ट लोकशक्तिर देश हो भारत कोरोना कटकणार भी देशर युववर्गों आगक ने स्किल इंडिया 6 वर्ष में पाद दे अभियान कौशल कला को नहीं रोजगार मंत्र दे मोदी देश को मिलला प्रथम अपग्रेडेड रेल स्टेशन गुजरात गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पाइला नुआ रूप रही विश्वस्तरीय अत्याधुनिक व्यवस्था आहरी सतोटी रेल स्टेशन नवीकरण ड्रोन परिचालना नियम होब सरल नुआ ड्राफ्ट जारी कला केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय विभिन्न स्वीकृतिर आवश्यकता को करा समाप्त जरूरी पड़े पायलट लाइसेंस नुआ ड्रोन आईन में 25 रु कमी रहिबो छफर आसिबो संपूर्ण खबर को अगस्त 1 पर्यंत आसिला नुआ गाइडलाइन राज्य रे कालीठु चलाचल करिबो बस जिम स्पा ब्यूटी पार्लर खोलिबो पूर्व भली जिला गुड़ी को ए ओ वी दुईटी कैटेगरी रे रखा जाइछे कैटेगरी ए जिले में सकाळ 6 रु राति 8 जाए दुकान बजार खुला रहिबो सेपरि कैटेगरी बी रे सकाळ 6 रु संध्या 5 जाए दुकान बजार खोली परिबो सारा राज्य रे गड़िबो बस चलिबो ऑटो टैक्सी खोलिबो जिम स्पा ब्यूटी पार्लर होई परबा आउटडोर और इंडोर शूटिंग नुआ गाइडलाइन जारी कले सरकार अगस्त 1 पर्यंत आंशिक लॉकडाउन जारी रहिबो एहरि भितरे राज्य रे किछि नियम कोहल करा जायतिबा बेले किछि कडाकडी होईछि नुआ गाइडलाइन अनुसार सारा राज्य रे गड़िबो बस पुरी रे रथयात्रा चलिथिबारु 25 जुलाई जाए बस चलाचल करिवो नाई सारा राज्य रे ऑटो टैक्सी चलाचल करिपारिबो राज्य रे कालीठु जिम ब्यूटी पार्लर स्पा खोला रहिबो छोटो सेलून को पूर्वरो अनुमति मिलथिबा बेले एबे बडो सेलून मध्ये खोलिपारिबो पार्क मॉल सिनेमा हॉल ओ बार बंद रहिबो स्कूल कोचिंग सेंटर मध्ये खोलिबो नाई एस रेस्टोरेंट उठा दुकानी केवल पार्सल दे परिबे यात्रा ओ रंगमंच ऊपर मध्ये सरकार कटकणा जारी करिसेंती राज्य सरकार डिसाइड कर समग्र राज्य रे बस सर्विस को अलाउ करा जिवो टैक्सी ऑटो रिक्शा एवं अन्यान्य पैसेंजर व्हीकल समग्र राज्य रे चलाचल करिवो टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा रे ड्राइवर छड़ा दुई जना मैक्सिमम पैसेंजर जाई परिवे समग्र राज्य रे ब्यूटी पार्लर्स सालून एवं स्पा जिम इत्यादि आसंता काल ठारु खोला जिवो बर्तमान स्थित बस चलो किंतु किसी दाबी जो गुड़े अच्छी सरकार पाखे से तुरंत आलोचना हाँ दरकार आम प्रथम दाबी हूँ सरकार ए मसर जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर टैक्सटा छाड़ करूँ द्वितीय दाबी हूँ लक्ष टा लेखा लोन दिंतु जहाँफर से गाड़ी गुड़ी उठे चल पारे डिसलेसन ठीक अच्छे कितु तीन जन मिनिमम करवा दरकार दीज जगह तीन जन हम तो आडजस्टेबल लोक दे पारे कैटेगरी ए सकाळ 6टा रु राति 8टा पर्यंत दुकान बजार खोला कैटेगरी बी सकाळ 6 रु संध्या 5टा जाय दुकान बजार खोला पूर्व भली जिला गुडी को दुईटी कैटेगरी रे रखा जायछि कैटेगरी ए रे 20टी ओ कैटेगरी बी रे सेही 10टी जिला रहिछन्ति एबे नजर पकांतु कैटेगरी ए ओ बी पै नुआ गाइडलाइन रे कौन रही कैटेगरी ए जिले में सप्ताह 7 दिन सकाळ 6टा रु राति 8टा जाए दुकान बजार खोला रहिबो राति 8टा रु सकाळ 6टा जाए नाइट कर्फ्यू जारी रहिबो एहा सो कैटेगरी ए जिले में दैनिक और साप्ताहिक हाट खोला रहिबो सेहिपरि कैटेगरी बी रे सकाळ 6टा रु संध्या 5टा जाए दुकान बजार खोला रहिबो एही 10 जिले में सप्ताहांत शटडाउन बलबत्तर रहिबो तबे कैटेगरी बी रे पूर्व भली नाइट कर्फ्यू जारी रहिबो कैटेगरी ए रे जो 20टा जिला अच्छी सेठी दुकान बजार सकाळ 6टा रु संध्या 6टा जाए खोला जाउतला वर्तमान ताहा राति 8टा पर्यंत खोलिबो एवं
कैटेगोरी ए जिले सात दिन जाक दुकान बजार सकाळ 6टा रु राति 8टा पर्यंत खोला रहिबो। से भली कैटेगोरी बी रे जो जिला सब अच्छे कोस्टल एरिया रे से जिले सकाळ 6टा रु दिन 2टा पर्यंत दुकान बजार सब खोला रहुतला ताकु वर्तमान सकाळ 6टा रु संध्या 5टा पर्यंत बढ़े दिया जायछि। पूर्वपरि विवाह कार्यक्रम शुद्धिक्रिया पई पूर्वर जे कटकणा थिला ताहा जारी रहिबो। एबे भी एक्टिव केस अनुसार कटक खोर्धा जिला रेड जोन रे रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आसे परवर्ती खबर को देश रे कमी बारे लागिछि द्वितीय लहर। दैनिक चिन्हट आक्रांतक संख्या रे स्थिरता आस रहिछि किंतु क्रमागत भाबे बढी चलिछि सुस्थता हार। गत 24 घंटा रे देश रे 41806 नुवा मामला चिन्हट होछि। देश रे वर्तमान आरोग्य हार 97.28% रहिछि। एक्टिव केस लोड 4,32,41 रही जहाँ समुदाय केसर 1.39%। से दैनिक पॉजिटिविटी हार 2.15% रही। गत 24 दिन धरी 3% तले रही आसुची दैनिक पॉजिटिविटी रेट। सेपटे वैक्सीनेशन रे नुआ माइल खुंट छुई भारत। देश में 39 कोटी टीका प्रदान कर। गत 24 घंटे देश में 34,97,058 डोज प्रदान कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी गस्त करी अनेक विकासमूलक कार्य उद्घाटन करिछंती। एहा सह अनेक प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर मध्य स्थापन करिछंती प्रधानमंत्री। वाराणसी आईआईटी बीएचयू ग्राउंड में 1500 कोटी टंका एक प्रकल्पर उद्घाटन करिछंती। अवसर में भाई भतीजावाद बदल में एबे यूपी रे विकासवाद आसिछि बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। ଭାଇ ଭତିଜାବାଦ ବଦଳରେ ଏବେ ୟୁପିରେ ଆସିଛି ବିକାଶବାଦ। ଆଇନ ପଞ୍ଜାରେ ଏବେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଏବଂ ମାଫିଆ। ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି। ଯୋଗୀ ପ୍ରଶାସନ ୟୁପିରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିକାଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା। अनेक विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास कले प्रधानमंत्री। नथिला देशर सबुठु अधिक लोकसंख्यार राज्य उत्तरप्रदेश रे नियंत्रण बाहर को चली जाइथिला माफियागिरी एवं संत्रासवाद। मात्र एबे ताहा आईन द्वारा नियंत्रण करा जाई परिछि। पूर्व सरकार अमल में राज्य में व्यवसाय वाणिज्य करने संभव नथिला। मात्र एबे मेक इन इंडिया पाई सबुठ पसंदर स्थान पलटिछि उत्तर प्रदेश। एबे योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रियाप्रीति तोषण और दुर्नीति शेष होइछि एवं भाई भतीजावाद बदल में राज्य में विकासवाद आसिछि बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। पूर्व सरकार समय होता समस्त दुर्नीति एवं भ्रष्टाचार योगी प्रशासन बंद करिछन्ति बोली प्रकाश करिछन्ति प्रधानमंत्री। एही अवसर में योगी सरकार को कोविड परिचालना दक्षता को मध्य मोदी प्रशंसा करिछन्ते। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। निजर संसदीय क्षेत्र वाराणसी गस्त करने अवसर में अनेक विकासमूलक कार्यर उद्घाटन सहित अनेक प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछंती प्रधानमंत्री। वाराणसी आईआईटी बीएचयू ग्राउंड में 1500 कोटी टंकार एक प्रकल्पर उद्घाटन करिछंती जेउठी 100 बेड विशिष्ट एक एमसीएचई विंग स्थापन करा जिवो जहां भविष्य में कोविड मुकाबला रे सहायक होई परिबो।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଦାଉଲିଆରେ ଏକ ମଲ୍ଟି ଲେବୁଲ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ରୋରୋ ଭେସେଲ, ବାରଣାସୀ ଗାଜିପୁର ହାଇୱେ ଉପରେ ଏକ ଥ୍ରୀ ଲେନ୍ ଫ୍ଲାଇଓଭର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନାମରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 744 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ସହ 839 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସିପେଟ୍ ଅଧୀନରେ ଏକ ଦକ୍ଷତା ଓ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର, ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଥିବା 143ଟି ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କିଛି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କାଶୀ ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛି ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଗକୁ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ନଜର ପକାଇବା କିନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦେଖୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। କରୋନା କଷ୍ଟ ସହ ନୂଆ ବାଟ ବି ଖୋଲିଛି, ଆଉ ଭାରତର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ଦେବାକୁ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି ମିଶନ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବେ ଏହା 6 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କୌଶଳର କଳାକୁ ନେଇ ଭାରତ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କୌଶଳ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଭାରତର ଆଧାର ସ୍କିଲ୍, ବିଶ୍ୱ ଯୁବ କୌଶଳ ଦିବସରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର। ବିଶ୍ୱ ଯୁବ କୌଶଳ ଦିବସ ସହ 6 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଓ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଲୋକଶକ୍ତିର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ, ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଏହାର ବଡ଼ ଆଧାର। ଗତ 6 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନକୁ ଆହୁରି ଗତି ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କିଲ୍ର ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁନିଆ ସାରା ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କରୋନା ସମୟରେ ସ୍କିଲ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯିଏ କୁଶଳୀ ହେବ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। विश्वकर्मा की पूजा यानी समाज जीवन में अलग अलग रचनात्मक कार्य करने वाले हमारे विश्वकर्माओं का सम्मान, स्किल का सम्मान। लकड़ी के कारीगर, मेटल्स का काम करने वाले, सफाई कर्मी, बगीचे की सुंदरता बढ़ाने वाले माली, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, हाथ से कपड़ा बुनने वाले बुनकर साथी, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें हमारी परंपरा ने विशेष सम्मान दिया है। आजिर समय रे स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग कथा कहिसंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। से कहिसंती कोरोना काल रे ऑक्सीजन रो आवश्यकता और अन्य प्रसंग रे नुआ संभावना को जन्म देछि, जहाँ उपरे काम करबा को स्किल इंडिया मिशन आरंभ करि सछि। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗତି ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ କି ଚପେଟ ମେ ବିଶ୍ୱ ହେ, ହମାରୀ ଦେଶ ବି ହେ, ଉସ ସମୟ ମେ ସ୍କିଲିଂ, ରିସ୍କିଲିଂ, ଅପସ୍କିଲିଂ କି ଜରୁରତ ଓର ବଢ଼ ଜାତି ହେ। ଜେସେ ଅଭି କରୋନା କି ସମୟ ମେ ଅନେକ ଅନୁଭବ ଆୟା, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ମେ ବହୁତ ନୟେ काम की आवश्यकता हुई। पहले इतनी मात्रा में देश में कभी ऑक्सीजन की कंजम्पशन नहीं हुई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं लगी थी, अभी लगी। उसके लिए हमको स्किल मैन पावर की आवश्यकता लगी, स्किल इंडिया मिशन ने उस काम पे लग गया। देशर युववर्ग पाई नुआ आशार किरण स्किल इंडिया, और प्रधानमंत्री को मार्गदर्शन रे 6 वर्ष रे पाद देछि एई अभियान। दिल्ली रु गगन विश्वाल को रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ବା ଉନ୍ନତି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଲଟିଛି ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର କ୍ୟାପିଟାଲ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ରୂପ ବଦଳି ଏବେ ନୂଆ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଷ୍ଟେସନର ଚେହେରା ପରିପାଟୀ ସହିତ ନୂଆ ପରିପାଟୀର ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ଗାନ୍ଧୀନଗର କ୍ୟାପିଟାଲ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ, ଯେଉଁଠି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ, ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ର ଆଲୋକସଜ୍ଜା, ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର, ରାମ୍ପ, ଲିଫ୍ଟ,
पार्किंग अंचल एवं आहुरी अनेक व्यवस्था करा जायछि। निवेशकों को आकृष्ट करिबा पाई समस्त प्रकार विश्वस्तरीय अत्याधुनिक व्यवस्था करा जायछि, जहार नाम रहिछि रेलोपोलिस। जुलाई 16 तारीख दिन एही अपग्रेडेड रेल स्टेशन को उद्घाटन करिबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। आगो को देशर आहुरी सातोटी रेल स्टेशन रे एहिपरि नवीकरण कराजिबो बोली प्रकाश करिछन्ते रेलवे बोर्ड रे सीईओ तथा चेयरमैन। में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने गांधीनगर स्टेशन, ये हमारा पहला स्टेशन है, एक बेंचमार्क है ये बाकी स्टेशंस को डेवलप करने के लिए। दूसरा स्टेशन जो हमारा लगभग तैयार है वो हबीबगंज है, और तीसरा स्टेशन है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलोर। साथ ही साथ हमारे 5 और स्टेशंस डेवलपमेंट के लिए उन पर कार्य शुरू हो गया है, जैसे कि अयोध्या, बिजवासन जो दिल्ली में है, गोमती नगर लखनऊ में, दिल्ली में सफदरजंग, और नागपुर में अजनी। विज्ञान और वैषयिक विद्या साहाय्यरे नागरिकों निकटतर हो पारुछे देश, लोकों सेवा जोगाइबा क्षेत्र में आसीपारिछे संस्कार, यह भारत पर एक बड़ उपलब्धि। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यही ग्रीवांस एनालिसिस एप्लीकेशन को लॉन्च करने उद्देश्य एक केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एप्लीकेशन नाम रही सीपीग्राम्स। एही अवसर रे एही प्रकल्प सहित संप्रुक्त समस्त व्यक्ति विशेषज्ञ को मध्य धन्यवाद देछन्ते से। सारा विश्व रे सब क्षेत्र रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्यवहार करा जाउछे, भारत मध्य सेथिरु बाद चाहिनि। विशेष करी भारतर प्रतिरक्षा क्षेत्र एहार व्यवहार रे आगरे रहिछि। ए दिगरे डीआरडीओ अनेक कार्य करूछि बोली प्रकाश करिछन्ते प्रतिरक्षा मंत्री। सीपीग्राम हेउछि एक वेब भित्तिक टेक्नोलोजी, जेउ प्लेटफॉर्म रे साधारण अभिजोगकारी देशर जे कोनोसे स्थान रे जे कोनोसे समय रे निजर अभियोग दाखल करिपारिबे, एवं सही अनुसारे विभाग तरफ तार समाधान पाई तुरंत उद्यम करा जिवो। आज डिफेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस और आईआईटी कानपुर के संयुक्त प्रयासों से यह निर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ग्रीवेंस एनालिसिस एप्लीकेशन का उद्घाटन करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। यह पहल सचमुच साइंस, टेक्नोलॉजी और गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार और एकेडमिया के सहयोग की एक अच्छी मिसाल है, और मैं मानता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जिसमें साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े आप सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं। ड्रोन परिचालना नियम हेबो सरल। ड्रोन को सहजरे व्यवहार करिबा पई केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय एक ड्राफ्ट प्रस्तुत करिछे। देशरे ड्रोन व्यवहार करिबा पई आवश्यक अनुमतिर फर्मर संख्या यूएएस नियम 2021 रे थिबा 25 रु ह्रास कर ड्रोन नियम 2021 अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल बा यूएएस नियम 2021 को चलित वर्ष मार्च 12 रे लागू करा जायतिला। विज्ञप्ति परे ड्रोन नियम 2021 यूएएस नियम 2021 रो स्थान नेब। प्रस्तुत ड्राफ्ट अनुसार शुल्क को नाममात्र करा जायछि, एवं एथर ड्रोन रो आकार उपरे एहार कोनोसे संपर्क रहिबो नाही। विभिन्न स्वीकृतिर आवश्यकता को मध्य समाप्त करा जायछि, जेउथिरे रक्षणाबेक्षण प्रमाणपत्र, आमदानी मंजूरी, ऑपरेटर परमिट, पायलट लाइसेंस शामिल रहिछि। बहु प्रतीक्षित गगनयान प्रकल्प रे आउ पादे आगेला भारतर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बा इसरो, जहाँ को प्रशंसा करिछंती एलन मस्क। इसरो सफलतार सह शेष करिछि लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजिन रो तृतीय हॉट टेस्ट परीक्षण। जीएसएलवी एमके ट्रिपल एल मानव यान पई एही परीक्षा करा जायछि। आगामी गगनयान मिशन पई एहार आवश्यकता रहिछि। तमिलनाडु महेंद्रगिरी रो इसरो प्रपल्सन कम्प्लेक्स रे एही इंजिन को 240 सेकेंड पाई परीक्षा करा जायथिला, जहां बेस सफलतार सह शेष होइछे। तबे सबुठ बड़ कथा हैला इसरो रो एही गुरुत्वपूर्ण हॉट इंजिन परीक्षण को भूरी भूरी प्रशंसा करिछंती अमेरिकार प्रतिष्ठाता
एलोन मस्क सफलता पाई से इसरो को ट्वीट माध्यम रे अभिनंदन मध्ये जणाई छंती। गगनयान माध्यम रे महाकाश को मनीष पठाइबा को योजना रखी छि इसरो। राज्य पाई अनेक गौरव आनी भुवनेश्वर एम्स। 2003 जुलाई 15 में भुवनेश्वर सिजुआर देशर द्वितीय एम्स शिलान्यास करते प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तेज आज एम्स को पूरी 9 वर्ष यही अवसर में एम्स उद्घाटन हो बहु प्रतीक्षित एकमवेश अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमूर्ति में पुष्प माल्यार्पण कर Today we have a morning, as you can see, we felicitated and paid floral tribute to Shri Atal Bihari Vajpayee ji, the late Prime Minister of India, who was the person who laid the foundation stone for AIIMS Bhubaneswar. This is the only new AIIMS for which the foundation stone was laid by Vajpayee ji, and so we paid floral tributes to him. And subsequently, about an hour, we will be inaugurating the ECMO services. We have procured the item, and this ECMO is going to be helpful for many of the patients who might be needing it. कोरोना महामारी लोकों को नीतो हचाय दे छे। एहर प्रभाव व्यवसाय उपरे अधिक पड़ी छे, किंतु ऑफलाइन व्यवसाय रो चाहिदा कमिथिबा बळे ऑनलाइन व्यवसाय रो चाहिदा पड़ी छे। खास करी फैशन डिजाइन माने विशेष करी डिजाइनर माने निजर व्यवसाय करबा पई ऑनलाइन को माध्यम करी छथि। घरु न बाहरी हाथ पहंतरे जिनिस पहुंची पारथिबारु ग्राहक माने मध्य ऑनलाइन रे किणबा को बेस पसंद करू छथि। कर्म आगे हार मानी कोरोना महामारी लॉकडाउन रे मिली रोजगार रो नुआ पंथा। ऑनलाइन माध्यम रे बढ़ुची फैशन डिजाइनिंग रो चाहिदा। घरे रही ऑनलाइन सुविधा रो लाभ उठाउछंती ग्राहक। कोरोना पाई व्यवसाय क्षेत्र रे आसी पारुनी स्वाभाविक परिस्थिति। दीर्घ 1.5 वर्ष हेबो कोरोना कायरे सबु किछि विपन्न होई पड़िछि। समाज रो सबु क्षेत्र रे कोरोना प्रभाव देखिबा को मिलिछि। ए सबु मधेरे फैशन डिजाइनिंग क्षेत्र रे कोरोना व्यापक प्रभाव पकाइछि। विशेष करी फैशन डिजाइनर माने क्षतिर सम्मुखीन होउछंती। ए सबु मध्यरे किंतु फैशन डिजाइनिंग शिल्प ऑनलाइन माध्यम रे लोकंकर चाहिदा बढ़ाईची। लोकंकर थाए टच एंड फील फैक्टर जोटा कि लोक लुगाटा को देखिए केमती केमती ना देखिए सिलईटा ठीक अच्छे ना नहीं सब जिनस आम परफेक्टली करके दौचु कहीं आउ तो लोक बाछिक नहीं पार ना सो ऑनलाइन चली बहुत मात्रा रे कमी जा मंदा पड़ जा जिनस मोर ओडिशा रे जेते के नो मोर बाहर को जाए एंड मु जनरली कौन भी डिजाइन कर दे कि ना जदि मोर सोशल मीडिया रे मु दे दिए सो सेटा संगे संगे बुक हो जाए कि जन किए सो मुझे पार्सल करा पड़े जमी आमर अन्य सब ऑनलाइन साइट रु जमी पार्सल जाए आसे सेमती डेलीवरी पार्टनर्स अच्छा तार क्रिएशन रे बहुत फोकस अच्छी And he had currently, you know, recently had styled and designed my clothes and everybody liked it. I mean, absolutely, he had some pictures he can share with you. And I have referred him to a lot of friends of mine and I think he's brilliant. What stands out in Sabyasachi Satpathy or Shagun is, you know, he makes everything different. I mean, each and every cloth that you see has a story to tell. ओडिशार विभिन्न फैशन डिजाइनर माने वर्तमान ऑनलाइन माध्यम रे निजर व्यवसाय को सुदृढ़ करि परिछंती। असुविधा समय रे ऑनलाइन जोगु सेमानक व्यवसाय सुदृढ़तिबा सेमाने कहिछंती। लोक माने आगरु कपड़ा को निजे देखि परखि किणुथिले किंतु एबे ऑनलाइन रे सेमाने जिनिसर रेटिंग देखि किणुछंती। मु आ एठिकार मोर फ्रेंड्स माने सम 150 टू 200 भितरे फ्रेंड्स अछु आमे रेगुलरली टच रे अच्छे इन व्हाट्सअप कैटलॉग देखिकी आम डिसाइड करू एंड से आमको कोरियर कर दिखती कलेक्शन गुड़ा बहुत यूनिक आम समस्त बहुत भल लगे सेकेंड पीस मार्केट के देखा मिले सब डिजाइन गुड़ा एक्सक्लूसिवली यूनिक। तेज कोरोना समय ऑनलाइन व्यवसाय चाहिदा बढ़ी आग को फैशन डिजाइन शिल्पर अभिवृद्धि घटवी आशा रखिंट व्यवसायी। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन आदित्य चिन्मय साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय सर छि बुलेटिन को इठे रखछु। नमस्कार।